तो हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूँ। महाकाल मंदिर का जो ब्लॉग था उसका सेकंड पार्ट है ये वाला। तो अभी हम लोग वहाँ स्टेशन से, जो उज्जैन स्टेशन है वहाँ से हम लोग अभी निकल पड़े हैं। अभी हम लोग वहाँ से एक टुक टुक करके रिजर्व करके निकल गए। तो हम लोग वहाँ से एक होटल बुक किए थे, उनके पास जाने वाले हैं। तो चलिए अभी जाते हैं वहाँ पर। मगर एक मुश्किल वहाँ पर आ गया था हम लोग को, क्योंकि जिस होटल में हम लोग बुक किए थे वहाँ पर होटल था नहीं, मतलब रूम खाली नहीं था। तो उन्होंने, उन्हीं का जो दोस्त थे उनका होटल में हम लोग को शिफ्ट कर दिया वहाँ पर। तो अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। और आप लोग को मैं बता दूँ, स्टेशन से उतरते ही आप लोग रास्ते में जब जाइएगा ना, तब बहुत सारा रेस्टोरेंट वगैरह आप लोग को उधर मिलेगा। तो आप लोग अगर हिंदू हैं, अगर समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो आप लोग ज़्यादातर खाना जो है मंदिर का तरफ, जो महाकाल का मंदिर है उस तरफ का होटल में खाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नॉन वेज वेज वगैरह सब कुछ का यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आप लोग समझ जाइए, तो उस तरीके से मंदिर की तरफ खाने के लिए ही ज़्यादातर जाइएगा आप लोग, तो अच्छा रहेगा। ये मैं आप लोग को बता दिया। तो अभी यहाँ पर होटल तक अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं, अभी तो रास्ते में जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि रास्ते में जाते हुए वहाँ का होटल वगैरह जो कुछ है उसका थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो अभी कितना दूर पर पहुँचेंगे, शायद हम लोग पहुँचने ही वाले हैं अभी। तो ये हम लोग अभी रास्ते में जा रहे हैं, अभी देखते हैं। तो आगे आप लोग देखिए, फिर पहुंच के मैं आप लोग को बताता हूं कि कहां पर हम लोग को उतरना है। तो हम लोग फिलहाल जहां पर होटल है हम लोग का, वहां पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो अभी वहां से उतर के मैं अभी तो मेरा वीडियो तो बना ही रहा हूं मैं। तो अभी हम लोग यहां से होटल वाले को, जो टुक टुक वाला था उसको पता नहीं है ये होटल कहाँ पर है। तो हम लोग वहाँ से किसी से जानकारी मांग रहे हैं हम लोग कि हम लोग कैसे, कौन सा वाला होटल इधर उस तरफ का है। तो होटल को जब हम लोग ढूंढने लगे, तो होटल में जब फ़ोन किए तो उसका बंदा ही हम लोग को लेने के लिए आ गया वहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और कहीं भी आप बाहर जाइए कोई टूर में, तो आप थोड़ा अपना मोल भाव कर लीजिएगा, क्योंकि बाहर का आदमी देख के वो लोग पैसा ज़्यादा मांग लेता है। तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि मोल भाव करके उसके बाद कोई गाड़ी या जो भी फोर व्हीलर हो, टुक टुक हो, जो भी है उसमें चढ़ने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर पीछे पीछे जा रहा हूँ, तो होटल का जो बंदा था वो हम लोग को लेने आ गया है यहाँ पर। तो ये रहा वो होटल। तो इस होटल का नाम मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, एक मिनट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अमृत श्री ये रेसिडेंट था। तो ये पहले हम लोगों ने बुक किया था। तो यहाँ पर जाइएगा तो ऑक्सीजन में होटल का रूम का रेट ज़्यादा नहीं रहता है, 1000-2000 में आपको एसी वाला अच्छा रूम मिल जाएगा। वो भी आप 4 आदमी का 6 आदमी का रूम आपको दे देगा, ऑक्सीजन है। और सावन महीना में अगर जाए या कोई कुंभ का टाइम में जाएगा तो नहीं मिलेगा, वहाँ पर बहुत रश होता है उस टाइम पर। तो यहाँ पर वो लोग अपने दोस्त के होटल में हम लोग को यहाँ पर भेज दिया। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, हम लोग तो ये वाला जो सीधा गेट है, तो इस तरफ से हम लोग यहाँ पर अंदर गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम हो गया था क्या, कि हम लोग जब मंदिर के तरफ गए, फिर मैं और मेरा दोस्त यहाँ पर वापस आए, तो 1 घंटा हम लोग इसी गली में घूमते रहे थे। क्योंकि आप अगर चाहे तो थोड़ा सा वीडियो बना के रखिएगा, जब अंदर कहीं भी नया जाइएगा ना, थोड़ा सा फ़ोन में वीडियो रखेगा या फ़ोटो खींच के रखेगा, तो आपको उसका रास्ता मालूम। तो यहाँ पर अगल बगल अलग अलग गली में रास्ता है, तो क्या होगा, आप घूम भी हो सकते हैं। तो हम लोग 1 घंटा घूमते रहे थे, और फिर जाके हम लोग को उस गेट के तरफ होटल पे फिर मालूम चला कि ये वाला, यही वाला होटल है। बहुत दिक्कत होता है, बहुत गली गली में है ये सब। तो ये देखते हैं कि घर का अंदर से हम लोग गए, तो मेन गेट वो देखे जो सामने में है उस तरफ से आने का गेट था। तो हम लोग को अंदर से ले गया था, तो हम लोग के मेन गेट का पता नहीं था कौन सा है, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा गुम हो गए। तो जैसे मैंने बोला था, ये रूम हम लोग को मिला था करीबन 2000 रुपया में मिला था ये वाला रूम। तो आप लोग थोड़ा सा रूम को देख लीजिए, अच्छा है, बहुत ही अच्छा रूम है। यहाँ पर एसी वगैरह सब कुछ है, यहाँ पर सोने का जो खाट यहाँ पर हमको दिया गया है, बेड देखिए कितना बड़ा बेड दिया गया है यहाँ पर, 3 आदमी को 6 बेड का साइज़ का, देखिए बेड का साइज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो 3 आदमी का 6 बेड का साइज मिला था हम लोगों को। और देखिए यहाँ पर 2 पंखा भी है, लाइट भी है, और ऊपर एसी भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो आपको एसी भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है। अच्छा मस्त रूम मिला था। ऑफ टाइम में जाएगा तो हर जगह पे आपको रेट बहुत ही कम मिलेगा, चीप रेट में मिल जाएगा। तो आगे थोड़ा आप लोग ये वीडियो को देखिए।
तो अभी फिलहाल हम लोग ट्रेन से उतर गए थे, तो हम लोग को भस्म आरती वहाँ पर उज्जैन में देखना था महाकाल जी का। तो क्या हुआ, हम लोग को तुरंत अभी वहाँ से निकल जाना पड़ा कि हम लोग जाके देखते हैं वहाँ पर भस्म आरती का क्या सिस्टम है, तो पता नहीं था, इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए। तो आप लोगों को जो ये गली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, तो हम लोगों को इस रास्ते से जाना है, महाकाल मंदिर जाने का रास्ता यही वाला है, मगर हम लोग गलती से थोड़ा सा आगे चले गए थे इस तरफ पे, क्योंकि हम लोगों को लगा कि आगे होगा, मगर हम लोग वहाँ से जब पूछे तो हमको बोला गया कि इस गली से ही जा सकते हैं, तो फिर से हम लोग वापस आके इस गली से जाने लगे। तो यहाँ जाते जाते थोड़ा सा अंदर हम लोग गए, तो जाते ही मंदिर यहाँ पर दिखने लगा, यहाँ पर हर जगह पर मंदिर ही मंदिर मिलेगा आपको, ये देख सकते हैं पुराना, बहुत ही पुराना मंदिर है ये वाला, तो हर जगह पर मंदिर मिलेगा। तो जाते जाते यहाँ पर एक तो राम और सीता जी का एक तो मंदिर था, तो यहाँ पर प्रसाद दिया जा रहा था, तो हम लोग वहाँ पर रुक के फिर प्रसाद यहाँ पर थोड़ा सा खा लिए। तो आपको थोड़ा सा मैं मंदिर में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर राम और सीता जी का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रसाद दिया जा रहा था, जो खीर होता है तो यहाँ पर खीर दिया जा रहा था, तो ये लोग सब खीर हम लोग खा के फिर हम लोग वहाँ से मंदिर के लिए निकल गए। तो मंदिर हम लोग को होटल से बहुत ही अंदर है, बहुत ही अंदर जाना पड़ता है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर अंदर, तो देखते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, जो इस एरिया का नाम है पुराना थाना, इसको बोला जाता है, तो पुराना थाना के तरफ जो गली है ये वही गली वाला रास्ता है यहाँ पर। तो हम लोग को तो पता नहीं था, हम लोग पूछ के वहाँ पर इसी रास्ते से जा रहे थे। तो आगे आप लोग देखिए, तो यहाँ पर एक तो बड़ा सा नीला रंग का गेट आएगा, जिसमें लिखा हुआ रहेगा बड़ा बड़ा अक्षर में महाकाल मंदिर प्रवेश द्वार, ये लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर। तो आगे वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर हम लोग को आते ही यहाँ पर एक तो शनि का, शनि देवता जी का मंदिर यहाँ पर दिखाई दिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और उसी का ऊपर एकदम नीला रंग का एक तो गेट है, लिखा गेट में ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महाकाल मंदिर प्रवेश द्वार। तो यहीं से महाकाल जी का जो पीछे वाला गेट है उसका रास्ता यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पर बैरिकेड वगैरह सब रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो आगे थोड़ा वीडियो को देखिए, फिर महाकाल मंदिर में हम लोग धीरे धीरे अंदर जाएंगे।
और जैसे मैंने बोला था आप लोगों को, इन महाराज को फोटो चाहिए ही चाहिए। ये देखिए पोस्ट देने लगा यहाँ पर, वो देखिए। और क्लिक करने के बाद फिर देखिए एक एक फोटो एकदम सबको चाहिए चाहिए हर जगह पर। जो एक बंदा खींचेगा वहीं पर सब बंदे को खींचना है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे महाकाल मंदिर के जो पीछे वाले रास्ता है उधर की तरफ हम लोग आ गए कि पूछने के लिए कि कहाँ भस्म आरती के लिए कैसे क्या करना होगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए। तो हम लोग अंदर जाते गए तो सब लोग तो बाहर ही आ रहा था, मतलब मंदिर टाइम बंद होने का टाइम हो गया था शायद वहाँ पर। तो हम लोग जाके अभी अंदर जाके अभी पूछना पड़ेगा, यहाँ पर पूछे कुछ बात वगैरह कि कैसे भस्म आरती होगा, क्या क्या है, तो वो लोग बताए। तो देखिए आप लोग वीडियो को आगे। तो सबसे अच्छा काम हम लोग ये किए कि यहाँ पर जो मंदिर कमेटी का जो आदमी लोग रहता है उन लोगों को हम लोग ढूंढने लगे यहाँ पर। तो हम तो पीछे जा ही रहे, फिर यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर मिल गया जो लोग यहाँ पर ड्यूटी देता है। तो उन्होंने बोला कि आगे का जो रास्ता है उधर से जाने से हम लोगों को मंदिर का अंदर जो मार्केट है, मार्केट के अंदर से हम लोगों को मंदिर का जो गेट है उस तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर वापस आ गए और वो बंदे को देखो तो फोन में लगा रहता है, वो कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, एकदम शक्तिमान बन के कहाँ गुम हो जाएगा, आपको ढूंढ को नहीं मिलेगा उसको। तो उसको फिर बुलाना पड़ता है हम लोगों को। तो फिर से वापस वहाँ से आ गया। फिर हम लोग वहाँ से जो मेन जो गेट है उधर मंदिर के अंदर में जाने का मार्केट के तरफ से, फिर हम लोग को उधर से जाना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल अभी वीडियो को आगे देखिए आप लोग। ये सर रास्ता मंदिर का सब बंद हो गया, इधर से तो मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। अभी लाइन में लगना पड़ेगा, सुबह 8 बजे का दर्शन मिलेंगे। अभी तो नहीं लग गया, अभी 90 हो गया ना, 8 बजे लग गया। कितने मेंबर आप? 3 एक दिन लगने से ही हो जाएगा। आज फार्म मिलेंगे तो आप लोग यहाँ पर सुन लिए कि वो गेटमैन क्या क्या बोल रहा था। तो मैं भी आप लोग को बता दूँ तो इस रास्ते से हम लोग अभी जा सकते थे, मगर ये वाला गेट अभी बंद हो गया, रात हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जो मेन दरवाजा है उस तरफ का, तो उस तरफ से हम लोग अभी जाएंगे। तो अभी मैं जो बताने वाला हूँ सबसे ज़रूरी बात बताने वाला हूँ इस वीडियो का, और सबसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा इस पूरे बात को मेरा। तो अगर आप लोग को विदाउट कॉस्ट वहाँ पर मंदिर में जाके भस्म आरती जो होता है सुबह 4 बजे वो देखना है, तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ अगर आप लोग ऐसे ऐसे जाएंगे तो आप लोगों का 1% भी कोई भी तकलीफ वहाँ पर नहीं होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही पूरा जाना पड़ेगा। तो आप लोग को मैं बताता हूँ, आप लोग सुनिए ठीक से एकदम। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, भस्म आरती देखने के लिए आपका ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लाना ही पड़ेगा, साथ में आपका ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए वहाँ पर। और अगर वहाँ पर कोई आधार कार्ड ले जाना भूल गया, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स ले जाएगा, तो उसको भस्म आरती देखने के लिए नहीं दिया जाएगा, वो बेकार लाइन में खड़ा होगा। एक चीज़ वहाँ पर छूट दिया है कि अगर आप लोगों के पास अगर फोन में आधार कार्ड है तो आप अगर कोई भी होटल में जाइएगा उसको पैसा दीजिएगा रिसेप्शन में, तो वो आप लोगों को कलर प्रिंटिंग जो कॉपी होता है आधार कार्ड का वो दे देगा, तो उससे काम चलेगा। मगर ओरिजिनल चाहिए या कलर वाला जो आधार फोटो होता है जेरोक्स वो वाला लगेगा, यही दो चीज़ चलेगा। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो यहाँ पर अलाउ नहीं है, ये बात हो गया। तो अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि भस्म आरती देखने के लिए आप लोग क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले करना पड़ेगा क्या कि आपको अगर परसों सुबह का अगर भस्म आरती देखना है 4 बजे का, तो आज रात को अगर आप वहां पर पहुंचे हैं या शाम को पहुंचे हैं, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, 9 बजे से
वहां पर जाके लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ये लाइन देख सकते हैं, ये मार्केट का अंदर में जाके जो मंदिर का जो मेन गेट है वहां से ये लाइन स्टार्ट होता है। तो एक बात मैं बता दूं, इस मंदिर में भस्म आरती देखने के लिए 300 से 350 लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। स्पेशल टिकट जो होता है 300 से 350 लोग अंदर जाते हैं और बाकी सब VIP वगैरह जो होता है वो लोग रहते हैं उसका अंदर 300 से 350 बंदे अंदर जाएंगे। ठीक है, तो कैसे टिकट करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं बता दूंगा। तो फिलहाल मैं अभी वीडियो को यहीं से टिकट का जो पॉइंट है स्टार्ट होता है। तो अभी हम लोग भारत माता मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि भारत माता मंदिर कैसा है। वहां पर एक आश्रम भी है। अभी तो यहां पर फिलहाल रात को 11 बज रहा था तो बंद हो गया है, तो हम लोग थोड़ा सा अंदर जाके अभी लाइन का पता करने जा रहे हैं कि लाइन क्या है, कहाँ से है। इस वजह से तो यहाँ पर भारत माता आश्रम है, ये वाला आगे देख सकते हैं और ये वाला मंदिर है। तो यहीं पर मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कैसे टिकट करना है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो अभी के लिए बाय बाय।